बच्चों कैसे हो आप सब। बेटा आज हम बसंत बुक में पाठ 6 करेंगे, भगवान के डाक में। जिसकी कवि है बेटा राम हमारे से दिनकर जी, इसके कवि है। इसमें कवि ने बादलों को पक्षियों को भगवान के डाक ये बताया है बेटा कि जो एक देश से दूसरे देश में संदेश लेकर आते हैं। तो बेटा आज हम इस कविता को समझेंगे, ठीक है, तो ध्यान से सुनना और समझना। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं। इसमें कभी क्या कह रहे हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। वहां क्या लेकर आते हैं? संदेश लेकर आते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में संदेश लेकर आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वास्ते हैं। वो कह रहे हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं, जो एक देश से दूसरे देश से चिट्ठियां या संदेश लेकर आते हैं। हम तो उन चिट्ठियों को समझ नहीं पाते मगर उनकी पक्षियों की और बादलों की लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? पक्षी और बादल भगवान के डाके बताया था। वो कहते हैं कि वो एक देश से दूसरे देश से संदेश लेके आते हैं, जिनको हम तो नहीं समझ पाते। हम कौन? मनुष्य नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी लाइफ की जो चिट्ठियां हैं उनको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। क्या कह रहे हैं कभी कि उनकी जो लाइन की चिट्ठियां हम तो नहीं समझते, लेकिन सिर्फ हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। आप ना मतलब अनुमान लगाना कि एक देश ने दूसरे देश को क्या विजय ट्रेन का संदेश भेजा है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर दिखता है, और जो वह संदेश है हवा में तैरता हुआ पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ आता है। जो और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता, जो एक देश से उठा हुआ बादल दूसरे देश में पानी बरसाता है। कहने का मतलब यह है बेटा कि इसमें कवि ने पक्षी और बादल को क्या बताया?